What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 4th मार्च 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी में फिर से एक बार रिकवरी फेज शुरू होने की कोशिश हमें दिखाई दी। कल यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व ने फिर से जबरदस्त रेट में कटौती कर दी है, कोरोना वायरस से इकोनॉमी को बूस्ट मिलने के लिए। वहां पर कटौती के बाद डाउ जोन्स करीब करीब 900 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। तो अभी आज इंडियन मार्केट्स में क्या होगा, क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह एक पिक्चर है कल का, यानी 3rd मार्च आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,270 के पास और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,031 के पास। तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होते ही निफ्टी ने हमारे ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,297 ये यहाँ पर अचीव किया और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो इसने जो प्रीवियस डे का क्लोज था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करने के बाद एक फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की और फिर से ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट को भी अचीव किया और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया जो हमारा सेकेंड टारगेट था 11,323। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो नए सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली बता दूं कि ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला, नाजदैक करीब 268 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी रिकवरी देखने को मिली थी कल और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी हल्के फुल्के दबाव में इस समय ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स 74 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हांगकॉन्ग मार्केट देखे तो 77 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है और चाइना मार्केट में भी हल्का सा प्रेशर अभी इस समय बना हुआ है। डाउ फ्यूचर देखे तो 275 की अभी इस समय रिकवरी बढ़त दिखा रहा है। तो ग्लोबल की वजह से है कि रिकवरी के लिए मार्केट ट्राई कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर है कोरोना वायरस का, टेंशन है, जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर फिर से एक बार दबाव हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से एक बार देखेंगे व्यू को। मंथली चार्ट में जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अभी ड्रॉ किया था, ये हाई और इस लो को पकड़ के, तो इसका 23.6% का लेवल 11,100 के पास आ रहा था। तो अभी ये मंथ मार्च का मंथ जस्ट शुरू हुआ है तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद अगर इस 20 EMA के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल आती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और कंफर्मेशन के लिए इसे प्रीवियस बियरिश कैंडलस्टिक का हाई या फिर क्लोज के ऊपर यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल का क्लोज देना पड़ेगा तो ही हम यहाँ से कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिबाउंड हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये 20 EMA को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, फिर बाउंस बैक करने की कोशिश की, तभी ये ग्रीन कैंडल बना और प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर इसने क्लोज किया तो ये कंफर्मेशन होता है। अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, प्रेशर स्टिल यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। अगर कोई और बैड न्यूज आती है, कंट्रीज अगर कुछ बैन लगाती है अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के ऊपर और कोई
दूसरे कंट्रीज का सिटीजन हमारे कंट्री में आता है तो उसके ऊपर अगर हर एक कंट्री अगर बैन लगाती है, इसका असर बिजनेस के ऊपर गिरता हुआ दिखाई देगा। और जैसे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे तो और भी प्रेशर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल अगर टेक्निकली देखें तो 11,100 काफ़ी क्रूशल लेवल है। इसके ऊपर जितना सस्टेन करता है उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो यह मंथली चार्ट का सिनेरियो है। वीकली चार्ट में चलते, यह वीकली चार्ट में 100 EMA को पास्ट में इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। ये अभी थर्ड टाइम है, क्या यहाँ से फिर से एक बार हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? अभी भी वीकली चार्ट में प्राइस एक्शन में यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, सिर्फ सपोर्ट के आसपास ये अभी एक हॉल्ट लेके रखा है, इसने एक पॉज लेके रखा है। तो आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन में रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि यहाँ से निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ रिबाउंड हो सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। सपोर्ट के आसपास निफ्टी इंडेक्स अभी ट्रेड हो रहा है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो RSI नीचे 30 के जोन में था, यानी ओवरसोल्ड जोन में था। हमने पास्ट वीडियोस में देखा है 30 के लेवल के पास आने के बाद ऊपर प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक दिखाई देता है। प्राइस एक्शन में अभी फिलहाल पैटर्न जो बना हुआ है ये बुलिश हरामी पैटर्न है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा पिक्चर जब ऐसा पैटर्न जब क्रिएट होता है तभी इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक बनना होगा इसे, तो कन्फर्मेशन मिलेगा हमें कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर रिकवर करता है मार्केट तो कहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल आ सकते हैं, इसके लिए हम ये हाई और इस लो को पकड़ के ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। कल आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 11,321 के पास इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया था, जो कि हमारा कल का सेकेंड टारगेट का लेवल था। तो काफ़ी एक्यूरेट ये कल साबित हुआ। तो इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो नेक्स्ट 11,500 के पास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ये रिट्रेस करता है इस फॉल को तो नेक्स्ट 11,500 के पास रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई अगर ब्रेक करता है, ये 20 EMA के ऊपर जस्ट ये कल का हाई आ रहा है, तो कंफर्टेबली इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, यानी 11,341 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो। और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,371, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,393, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट में एक बुलिश हरामी जैसा ये यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ 11,364 को, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,232, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,200, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।